हेलो गाइस, मम्मी ने बनाई है बहुत सुंदर सी मेहंदी और कल है करवा चौथ, इसलिए मम्मी ने हमारे अपने हाथ में मेहंदी बनाई है। तो ये देखो दोस्तों, मैं लगा के आई हूँ मेहंदी। और देखो आप बताओ कमेंट बॉक्स पे कैसे लगी मेरी मेहंदी। ये देखो, तो इस तरह से दोस्तों मैंने अभी लगा दिया है करवा मैया का दरबार। और ये मैंने रखा है कुछ सामान है, अभी अभी बत्ती वगैरह नहीं जलाई है। मेरी अपनी सासू माँ के लिए साड़ी ले रखी है और इधर नीचे जिठाने के लिए भी है। और ये सिंगार का सामान रखा है मैंने यहाँ पे। और मेरी मेहंदी देखो दोस्तों, और इस तरह से अभी सामान रखा हुआ है। आप थोड़ी देर में पूजा करोगे, उसके बाद आपको दिखाऊँगे। और बाकी अभी सूरज जी को अर्घ्य देने जाएंगे तो वाली वीडियो भी दिखाऊँगी आपको। आप बने रहिए वीडियो पर। और सुबह से मैंने पहने थी ये वाली साड़ी, आलिया भट्ट वाली। तो आप अभी थोड़ी देर में कुछ और पहनेंगे। ये है मेरी हेयर स्टाइल दोस्तों। देखो आप, आज मैंने जूड़ा बनाया है और खुद ही तैयार हो जाते हैं हम। इधर उधर जाने की ज़रूरत होती नहीं है तो इसलिए घर पर ही तैयार हो जाते हैं। और ये हमने पहन लिया अपना पिछौड़ा। हम पिछौड़ा पहन लेते हैं ना तो ऐसे ही सुंदर लगने लग जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों देखो आप, मैंने दरबार सजा रखा है और सब चीज़ें रखी हुई हैं। अब क्या करेंगे हम, इसमें आराम से दिया जलाएंगे माता रानी के नाम से। और हमारे करवा मैया माता जो माता रानी है उनके नाम से अभी हम बढ़िया सा दिया जलाते हैं। ये होती है हमारे घर के अंदर की प्रक्रिया, जो हम घर के अंदर भी पूजा करके फिर अर्घ्य देने जाते हैं। जय हो करवा माता की, जय हो मैया रानी। सबका सुहागा, जरा मन रखना। अब हम लगाएंगे माता रानी को टीका दोस्तों। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पूजा करने के लिए, सूरज भगवान जी को अर्घ्य देने के लिए। तो इस तरह से सब लोग तैयार हो रखे हैं। हम अभी 4:30 का टाइम हो रखा है। और ये देखो सूरज भगवान जी दिख रहे हैं। जो कथा पढ़ेगा वो नीचे बैठेगा। देखो अब इस तरह से पूजा की शुरुआत हो गई है। धूप बत्ती वगैरह जल रही है और उसके बाद पढ़ते हैं हम थोड़ी देर में कथा। सब कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। देखो हमारे रंगवाई पिछौड़े में कितने प्यारे लग रहे हैं सब। इस तरह से पहले तुलसी माता रानी को हम टीका चंदन लगाते हैं, फिर आरती करते हैं और उसके बाद वहाँ पे धूप जला के फिर हाथ में चावल लेके हम कथा सुनते हैं। हम सब लोग बच्चे पढ़ते हैं और हम सुनते हैं कुंवारी लड़कियाँ लग रहा है टीका। हो रहा हूँ। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ी पर चढ़ जाती है, चांद को देखती है। जो करवा माता जय।
मैं नोट कर दो निकाल बोले वो है भाभी वो चला गया दूसरा आता होगा उसका उठाने नहीं पड़ रहा ये तू ले ले अरे वो ले ले मैंने कहा थोड़ा बहुत अम्मा ठीक कैसे कर रहे हैं वो वीडियो अच्छा लो